सेनेटर मीर कबीर मामे शही साहब जी। जनाबी चेयरमैन, मैं नेशनल पार्टी की तरफ से और बलूचिस्तान की आवाम की तरफ से इस हाउस में मौजूद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और ख़ासुसन चेयरमैन साहब, इसमें आपके एफर्ट्स का मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ इस बिल की कामयाबी पे, पास होने पे। और जावेद अब्बासी साहब निकल गए हैं, जावेद अब्बासी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस बिल को अहमियत दे के बलूचिस्तान तशरीफ़ लाए और बलूचिस्तान में उन्होंने पब्लिक एयरिंग की और पूरा उन 4-5-6 घंटा लोगों को सुना। मैं समझता हूँ जनाब चेयरमैन, ये बलूचिस्तान का बहुत देरीना एक मुतालिबा था। इसमें कोशिशें रहे कि हमारी एरिया की वजह से हमारी आबादी बेशक कम है लेकिन एरिया बहुत ज़्यादा है, उसके हवाले से हमारी कौमी असम्बली के भी सीटें बढ़ जाएँ और सूबाई असम्बली के भी सीटें बढ़ जाएँ। हमने जो बिल सबमिट किया था उसमें हमारी कौमी असम्बली का भी तजवीज़ था, वो इस वक्त इस दफ़ा नहीं हो सका। लेकिन जो सूबाई असम्बली के सीटों को हमारे तमाम पार्टीज़ ने यूनानिमसली इस हाउस की फ्लोर पे हमें सपोर्ट देके बलूचिस्तान का एक तारीखी, मैं समझता हूँ कि आज दिन बलूचिस्तान के हवाले से रकम हुआ इस हाउस की फ्लोर से। इसमें बेहतरी ये होगा जनाब चेयरमैन कि जो हमारे हल्के हैं वो इतनी बड़े हैं कि अगर इस दफ़ा जो मर्दमशुमारी के बाद थोड़े से हल्कों में फ़र्क पड़ा, उससे पहले हम एक मिसाल देते थे कि हमारी एक चागी खारान डिस्ट्रिक्ट, हमारी चागी और हमारी कलात मस्तूम खारान और चागी का जो हल्का था उनकी एक एक हल्के का कैलकुलेशन मैं समझता हूँ अभी भी खैबर पख्तूनख्वा सूबा के बराबर है। इस वजह से हमारी डेवलपमेंट का भी बहुत असर पड़ा। तो मैं यकीनन इस खुशी के मौके पे इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं आखिर में एक दफ़ा फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यूनानिमसली बलूचिस्तान इस अहम मसले पे हमारे उन्होंने साथ दिया। थैंक यू वेरी मच।